अलग तो हो सकते हो, शायद धंधा करके पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन याद रखना केवल दो पति पत्नी रहोगे तो जिंदगी का स्वाद नहीं आएगा। अगर जिंदगी का स्वाद लेना है तो पूरा परिवार साथ होना चाहिए, तब जिंदगी का स्वाद आएगा, तब जिंदगी का आनंद आएगा। ये टेस्ट लेना है ना, तो छोटे मोटे सब साथ रहे। अब क्या फर्क पड़ता है, लोग कैसा मार फलान दीदी नहीं बने मार वो दीदी बने मार तो वो नहीं बने, अरे नहीं बने, पर एक बात बताओ, ओ अपनो हाथ है, ए हाथरी अंगड़ियां एक हिरकी है कहीं, सबकी साइज अलग है, पांचों के पांचों अलग है, अंगूठे की साइज अलग, इसकी अलग, बड़ी वाली की अलग, सबकी अलग अलग साइज है, लेकिन फिर भी हम अंगुलियों को साथ रखना चाहते हैं कि नहीं। ओ कोई कहवे गए ऊंची नीचे काटो परी, तो काटो जना आनंद थोड़ी आए, ओ तो हाथ पूरे बढ़िया रेवे, आंगड़िया हमें तो अंगूठा हमें जणी चोको लागे, जणी तो काम करे है। ऐसे ही हमारा हाथ हमें प्रिय लगता है, भले ही उसकी अंगुलियां छोटी मोटी है। ऐसे ही सज्जनों परिवार में भी कोई छोटो है कोई मोटो है, किन स्वभाव सरल है तो किन स्वभाव थोड़ो तेज है, कोई किकर है कोई किकर है, कोई कम पैसे वाला है कोई ज्यादा पैसे वाला है, कोई किस स्थिति का कोई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा परिवार है, उसको साथ लेके चलना है। कभी हमारे अंदर जो टैलेंट नहीं है वो शायद हमारे छोटे भाई में हो, कभी छोटे भाई में जो बात नहीं है वो शायद बड़े भाई में हो, ऐसे करके हम सब एक दूसरे को मिलके रहेंगे तो हमारे काम कभी अधूरे नहीं रहेंगे, हम पूरे हो जाएंगे, हम पूर्ण बन जाएंगे। इसके लिए प्रेम से रहना जरूरी है।